Today we are discuss about the collection frameworks, ArrayList, Hashtables, Stacks, Queues, Sorted List. Normally we know that in the last lecture we are taken about the concept of the OOP. Now we think about the another concepts. I can create the new object so class is not override. Initially, what array list? In the today session, we are discussing about the array list and hash table. हमें पता है कि normally जब हम array use करते collection के लिए, right? तो array is related with the particular data types. जो integer का array है तो integer store कर सकते हैं. अगर किसी student class का array create है तो student class का object भी store कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे array list है, hash table है, ये sorted list है, stacks है, queues है. ये भी क्या है? One kind of the array. लेकिन इसमें ये fixed size के नहीं है. This is dynamic array. तो run time पे हमें जितनी size create करनी होगी, उतनी size के हम data उसमें store कर सकते हैं. मेमोरी जरूरी नहीं है तो फ्री कर सकते हैं. जो एरे में हम नहीं कर सकते, एरे में एक बार हमने 100 साइज का एरे क्रिएट कर दिया तो उसको हम रीसाइज नहीं कर सकते. तो जो लिमिटेशंस एरे के अंदर है राइट, वो लिमिटेशंस यहाँ से रिमूव होगी. वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, अभी एरे कैसे काम करेगा वो हमें देखना है. एरे हमें एरे लिस्ट में हमें काम करना है तो वो हम कैसे काम करेंगे. तो वी नीड टू क्रिएट ए एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट. सिंपल ये सपोज एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. एरर दे रहा है क्यों? We need to import the array list using system dot collection. Right? Array list, hash tables, जो भी हम अभी next classes देखेंगे वो सारे कौन सी library में available है. तो we need to import the system dot collection. अभी यहाँ पे कर दिया. तो now what is the value of array list? तो यहाँ पे एरे लिस्ट की अगर बहुत सारी मेथड्स है, पहले उसकी फंक्शनलिटी देखते हैं कौन कौन सी मेथड से. वन इज द एड मेथड. तो एड के अंदर सिंपल जो भी हम वैल्यू देंगे वो लिस्ट में ऐड करेगा. कहाँ पे ऐड करेगा? तो एट द लास्ट. अगर हमने आगे पांच वैल्यू ऐड करके रखी है तो 6-1 एट द लास्ट इंडेक्स. इंडेक्स बेस होगा 0, 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स एरे लिस्ट इज सेमली बिहेव एज ए एरे. लेकिन एरे वो डिराइव प्रॉपर्टी है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो कोई भी चीज होगी एड, एड रेंज, ये सारे फंक्शन है. वी कॉलिंग द फंक्शन एड रेंज. वी हैव द कलेक्शन के अंदर और कोई हमारे पास ऑलरेडी हमने कोई एरे लिस्ट कैसा कुछ बना के रखा है डायरेक्टली अपेंड करना है विथ मोर देन वन वैल्यू, देन वी यूज इट. जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वो हम डिस्कस करते हैं. कैपेसिटी ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा राइट. तो कैपेसिटी अभी क्या डिफाइन करता है कि एरे लिस्ट में वैल्यू एड करते तो मतलब वो मेमोरी कैसे मैनेज करता है. तो बाय डिफॉल्ट ये 16 वैल्यू के लिए मेमोरी एलोकेट करके रखा है. जैसे ही हम 17 नंबर का वैल्यू ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या, जब भी हम एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 16 के लिए तो एलोकेट कर ही देगा राइट. आगे 17 नंबर जब ऐड करेंगे तो अभी व्हाट इज द कैपेसिटी, हमने जैसे ही यहाँ पे ब्लैंक एरे क्रिएट कर दिया और अभी हम चेक करेंगे तो दैट इज व्हाट द बफरेड मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं बफरेड मेमोरी, वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो एलोकेट कर देता है. क्लियर, अगर हमने कुछ वैल्यू एड कर रखी है और हमें पूरा उसको क्लीन कर देना है तो क्लियर मेथड भी हम कभी कभी यूज करते हैं जब डेटाबेस में से वैल्यू लेनी हो राइट. तो प्रीवियस वैल्यू जो लोड की उसको डी एलोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर मेथड. कंटेन्स मेथड, पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मुझे सर्च करना हो लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं राइट, तो उसके लिए हम कंटेन्स मेथड यूज करते. काउंट मेथड वो भी मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी. इट इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अभी हमारे एरे लिस्ट की लेंथ क्या है, कितने एलिमेंट्स हमने एड किए हुए. कैपेसिटी एंड काउंट इज बोथ आर डिफरेंट. कैपेसिटी कितनी मतलब बफर साइज दिखा रही है. राइट, इसमें अभी हम काउंट फंक्शन की बात कर रहे थे.
तो कैपेसिटी क्या डिफाइन करता है कि अभी कितनी स्पेस हमने रिजर्व करके रखी है, कितने एलिमेंट की ऐड किए वो नहीं, रियल कितने एलिमेंट वैल्यू हमने स्टोर करके रखी है अरे लिस्ट में, वो कौन डिफाइन करेगा, वो काउंट करेगा। तो अगर मुझे डिस्प्ले करना है फॉर लूप रोटेट करके, देन आई नीड द हेल्प ऑफ द काउंट, इंडेक्स ऑफ भी यूज होगा कि वी नो द वैल्यू, हमें सर्च करना है कि अभी पूरे लिस्ट में, जब लिस्ट लंबा होगा राइट, तो उसमें सर्चिंग करना है तो हम वन बाय वन मैचिंग करने नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इंडेक्स आपको वैल्यू दे देंगे, अगर लिस्ट में होगा तो वो उसका लोकेशन ढूंढ के हमें दे देगा, अदरवाइज इट इज रिटर्न -1। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन हम देख रहे थे, तो इंसर्ट क्या करेगा, मिडल में कहीं पे अगर इंसर्ट करना है एट पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब हमने 5 एलिमेंट ऐड करके रखे तो वो 0, 1, 2, 3, 4 पे होगा, अगर बीच पे 3 पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या होगा कि 3, 4, 5 के जो एलिमेंट्स है वो पीछे पुश हो जाएंगे राइट, एक एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा, जैसे हम लाइन बना के रखते हैं, लाइन में अगर कोई एंटर होता है बीच में तो सारे एक एक पोजीशन पीछे चले जाते हैं, वैसे ही इंसर्ट होगा। इंसर्ट रेंज, तो पर्टिकुलर रेंज इंसर्ट करनी है राइट, मोर देन वन एलिमेंट तो यूज, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे इंडेक्स ऑफ सर्चिंग करता है फ्रॉम द फर्स्ट राइट, लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्चिंग फ्रॉम द लास्ट, उसको भी बहुत कम यूज कर, रिमूव की हमें बहुत यूज करनी पड़ेगी, रिमूव एंड रिमूव एट दो मेथड है, तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी। रिमूव हम वैल्यू देंगे वो लिस्ट में कहाँ पे खुद सर्च करेगा और रिमूव करेगा वहां से राइट, तो बाकी सारे एक एक पोजीशन अप आ जाएंगे। रिमूव एट, हमें पोजीशन पता है राइट, तो वी गिव द डायरेक्टली पोजीशंस और वो उसको डायरेक्टली वहां से रिमूव कर सकता है। मोर देन वन रिमूव करना है तो गिव द पर्टिकुलर इंडेक्स एंड काउंट, कितने एलिमेंट एक साथ हमें डिलीट करने, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स राइट, देन वी यूज द रिमूव रेंज राइट। अगर रिवर्स करना है एरे लिस्ट को, अगर प्रोग्राम नॉर्मली हमारा जो पैलिंड्रम स्ट्रिंग आता है उसको, उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं राइट, सेट रेंज, सेट द मोर देन वन वैल्यू, शॉर्ट ऑटोमेटिकली एरे लिस्ट को शॉर्ट करना हो तो भी हम यूज कर सकते हैं राइट, ये कुछ फ्रीक्वेंटली मेथड्स है जो हम यूज करेंगे। और एक और ट्रिम टू साइज भी यूज होती है, ट्रिम टू साइज कब यूज होगी, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमें जो वैल्यू ऐड करनी थी वो हमने ऐड कर दी वैल्यू क्लियर, और उसके बाद अभी बफर स्पेस एम्प्टी पड़ी हुई है, जैसे एरे में ही होता था, इट इज अ वेस्टेज ऑफ स्पेस, तो हम ट्रिम टू साइज फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो अभी एम्प्टी स्पेस होगी राइट वो फ्री हो जाएगी, जितने एलिमेंट हमने ऐड करके रखे उतनी स्पेस वो रखेगा एग्जैक्टली एज पर आवर वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, हमारी स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो गया, कि हमें जितनी जरूरी है उतनी ही हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उससे ज्यादा मतलब बाकी की फ्री स्पेस है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। कि यहाँ पे हम कुछ ट्राई करते हैं, नाउ इट इज अ कलेक्शन, तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते थे, एनी वन स्ट्रिंग ऐड करो, अगर आपको इंटीजर ऐड करना है तो इंटीजर ऐड करो, दिस वॉट डिफरेंट फ्रॉम द एरे, एरे में लिमिटेशन क्या थी, वी जस्ट ऐड द वन काइंड ऑफ द वैल्यू, हमें जो वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है वो हम कर सकते हैं। मैंने 3 वैल्यू ऐड की, अभी हमें दूसरे बीच में इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट राइट एट पोजीशन 1, अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो मैं 1 पोजीशन, मतलब 0 पे A है, 1 पे 12 है, 2 पे 2.5 है, तो अभी मैं 1 पे इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब 12 की जगह मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सपोज B, ठीक है। हम इतना पहले प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन एल, लास्ट में स्टॉपेज के लिए कंसोल डॉट रीड की, वेट फॉर द एनी की प्रेस, हम चेक करते डीबग, भी हो रहा है, सिंपल यूसेज है एरे लिस्ट का। लेकिन यहाँ पे अभी डिसएडवांटेज ये होगा कि एलिमेंट्स जितने लंबे लिस्ट बनते जाएंगे
तो वो मतलब हमारे लिए जैसे एरे में लिमिटेशन सर्चिंग करना या उसको किसी और से कंपेयर करना, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ये एरे लिस्ट हमारा जनरेट हो गया, ठीक है, उसके लोकल वेरिएबल्स कि अभी हम लोकल वेरिएबल और वॉच विंडो चेक कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया एल, मुझे अभी चेक करना है कि एल में क्या है, इसको मैं नीचे रख देता। तो राइट नाउ काउंट इज जीरो, क्या है उसकी काउंट, क्या है, जीरो है। ठीक, अभी हम वैल्यू आगे उसमें ऐड करते जाते, क्या होता है, उसमें ऐड कर दी हमने, काउंट इक्वल टू वन, जीरो आ गया ए पे। देन नेक्स्ट वन पे 12 आ गया, इंसर्ट 2.5, वो वन बाय वन इंडेक्स मेंटेन कर रहा है, 0 1 2 3। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द बी एट द वन, यहाँ पे हम बी इंसर्ट करना चाहते, तो 12 2.5 को क्या होना पड़ेगा, वन पोजीशन डाउन आना पड़ेगा। राइट, ये ओ राइट नहीं हो रहा है, राइट, दिस इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ द ओ राइट। ओ राइट अगर मुझे सपोज ए की जगह बी कर देना है, बी की जगह सी करना है, देन वी यूज अ सेट मेथड। तो एड, इंसर्ट और सेट, ये तीनों का काम क्या है, वैल्यू को एड करना। ये हमने आउटपुट में डिस्प्ले किया, देयर इज आउटपुट विंडो, ऑब्जेक्ट हुआ, टू स्ट्रिंग हमने नहीं किया, टू स्ट्रिंग हम डिस्प्ले कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। अभी सेट मेथड भी हम करते कि हमने एल डॉट सेट कहाँ पे करना है वो हम कर सकते, पर्टिकुलर किसी को रिप्लेस मेथड हमें नहीं है यहाँ पे, राइट, लेकिन उसकी जगह हम क्या यूज करते, सेट यूज कर सकते। सेट के अंदर हमें देना हो तो क्या दे सकते हम, तो पर्टिकुलर इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे मुझे रिप्लेस करना है तो मैं दे सकता, राइट, बट इट इज व्हाट वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द आई कलेक्शन। आई कलेक्शन इज नथिंग बट इट इज अ पेरेंट क्लास, इंटरफेस कलेक्शन। तो यहाँ पे मैं कोई अपना एरे लिस्ट दे सकता हूँ या जिसको वो वहां पे इंसर्ट कर दे, रिप्लेस कर दे, ठीक है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अभी हम नया एग्जाम्पल उसमें ऐड नहीं करें, सिंपल पहले कंसीडर कर, ये अभी हो गया, फिर से इसको आउटपुट चेक कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड नहीं होता, अभी इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंट यहाँ पे वो एरे लिस्ट ही कर रहा है, टू स्ट्रिंग नहीं हो रहा है। तो हाउ टू प्रिंट द एवरी एलिमेंट्स, जब भी जरूरत पड़े तो हाउ टू एक्सेस, तो वी यूज अ फॉर लूप, राइट, और फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो एवरी टाइम वी हैव ऑब्जेक्ट्स हो, अभी हमने अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट किए तो उसको इटरेट करना हमारे लिए इसीलिए वो डिफिकल्ट होगा, राइट, इन एल कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन ओ, वन बाय वन ऑब्जेक्ट हम एल में से लेंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे, राइट, ए बी 12 2.5 कर सकते हैं ऐसे। अभी इसके हम डॉट प्रिंट करते कुछ वैल्यूज जो हमें चाहिए, कंसोल, अभी इसकी कुछ मेथड हम चेक करें, सिंपल ही है, आप खुद ट्राई करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, कैपेसिटी, इसके आगे जो अभी हैश टेबल और शॉर्टेड लिस्ट है उसमें ज्यादा फैसिलिटी हमें मिलेगी, जो इससे भी ज्यादा हम उसमें काम कर सकते हैं, डॉट कैपेसिटी, प्रॉपर्टी है ये कैपेसिटी, इसलिए हमें राउंड ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी कैपेसिटी कितनी है, 4 है, राइट, वो जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं वो वैसे वैसे कैपेसिटी इंक्रीज यहाँ पे करता है।
अभी हम इसको रिमूव करके फिर से चेक करते कि al डॉट रिमूव एट सपोज पोजीशन वन, जो हमने b ऐड किया है उस b को हम अभी रिमूव करते और इसकी लेंथ भी चेक करते, कंसोल डॉट राइट लाइन, लेंथ अभी लिस्ट की क्या है हमारी, तो al डॉट लेंथ पे काउंट, ठीक है। उसके बाद हम एक एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, कौन सा, बी पोजीशन, जो वन पोजीशन पे बी इंसर्ट किया है, ए बी 12.5 है उसमें से बी रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर से इसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हमने ए 12.5, उसके बाद हमने बी इंसर्ट किया, अभी उसके बाद हमने वो जैसे जैसे मेंबर ऐड कर रहे थे वैसे वैसे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हो रही है। बाद में हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या किया हमने, यहाँ पे रिमूव किया एक एलिमेंट, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद भी उसकी कैपेसिटी और काउंट अभी क्या रहा, तो कैपेसिटी इज द 4, कैपेसिटी इज 4 और लेंथ अभी तीनों की, एक एलिमेंट रिमूव हो गया लेकिन अभी जो फोर्थ की स्पेस थी वो अभी रिमूव नहीं कर रहा है, तो वो स्पेस मतलब अभी क्या है, अभी एम्प्टी ऐसे बफर साइज की तरह ही वो रखेगा उसको। अगर हमें सपोज ऐसे हमने बहुत सारे ऑपरेशन कर दिए, ऐड ऐड रिमूव ऐड रिमूव ऐड रिमूव कलेक्शंस, राइट, लास्ट में अभी हमें लगा कि नहीं अभी अभी एक्स्ट्रा स्पेस की मुझे जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम टू साइज कॉल करेंगे, अभी चेक करते क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने 4 एलिमेंट ऐड किए थे तब कैपेसिटी और काउंट 4 था, अभी बाद में एक एलिमेंट हमने रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद क्या आया, लेंथ 3 हो गई, एलिमेंट रिमूव हो गया, राइट, लेकिन कैपेसिटी स्टिल 4। जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, ट्रिम टू साइज, ट्रिम टू साइज में अभी कैपेसिटी जितनी भी एक्स्ट्रा है, हमने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिया, लेकिन जितनी भी एक्स्ट्रा है वो सारी कैपेसिटी क्या कर दो, रिमूव कर दो, राइट। सपोज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और ऐसे एलिमेंट से जो हम डेटाबेस में से लोड कर रहे हैं, और उसके बाद सपोज ऐसा कोई एलिमेंट है जो डुप्लीकेट हो रहा है, तो उसको हम रिमूव करें, तो बहुत सारी एम्प्टी स्पेस डुप्लीकेट वर्ड्स अगर रिमूव करेंगे तो वो सब होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें मतलब ट्रिम टू साइज यूज करना चाहिए, इतना मतलब एरे लिस्ट में जब भी अगर क्वेश्चन आए या आपको एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में आए कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा डिफरेंस यहाँ पे था, अरे लिस्ट एंड हैश टेबल को एक्सप्लेन करना था, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना दो, राइट, और एग्जाम्पल के बाद उसके अंदर जो मेन मेन मेथड से कुछ, राइट, उसमें से कुछ मेथड उसको इन्फॉर्म कर दो, सारी मेथड यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड्स ऑन अभी कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इतना मतलब एरे लिस्ट में ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उसको इटरेट करते हैं, वो पता है तो हम इजीली काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमें मतलब और कुछ यहाँ पे अभी देखने की जरूरत, इसकी फैसिलिटी अभी इतनी हुई कि जैसे हमारा नॉर्मल एरे काम करता है वैसे ही ये काम कर रहा है बेस्ड ऑन द इंडेक्स, राइट, लेकिन इसको अगर हमें डायरेक्टली सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज मुझे डायरेक्टली सर कोई एलिमेंट बीच में से चाहिए, तो राइट नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट, सपोज मुझे यहाँ पे AL of 2 चाहिए, ठीक, तो ये नॉर्मल एरे की तरह ही काम करेगा, और गेट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, एक 2.5 डायरेक्टली, तो 01 भी हमने रिमूव कर दिया, 012 2 पे 2.5 है तो 2.5 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, और उसकी जगह हमें ऐसा यूज करना हो, मैं यहाँ पे ये रखता हूँ, दूसरी लाइन हम देते, और गेट आइट उसके अंदर आइटम, गेट मेथड इस कलेक्शन में नहीं है, इट देयर इज ऑलमोस्ट कलेक्शन में वो हमें सपोर्ट करेगी,
तो वी यूज अ इंडेक्स, इंडेक्स के बेस पे यहाँ पे एक्सेस करें। इतना अगर पता है तो नॉर्मली एरे लिस्ट के लिए हम हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे लिस्ट में इतना काम करेंगे हम। नाउ वी टेक द हैश टेबल डेमो, तो उसके लिए नया प्रोजेक्ट में बना देता हूं। तो एरे लिस्ट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए एरे। अभी हैश टेबल यूज करेंगे हम, तो हैश टेबल में नॉर्मली इट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेम ही, बट इट इज स्टोर एज ए की नॉट एज द इंडेक्स। इंडेक्स में तो जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया था उसी ऑर्डर में हमें डिस्प्ले भी मिल जाए, इजीली एक्सेस हो सकता है, लेकिन हैश टेबल के अंदर ऐसा नहीं होगा। हैश टेबल के अंदर क्या करेगा वो, तो हैश टेबल के अंदर हमें जब भी वैल्यू ऐड करेंगे तो वी गिव द की एंड वैल्यू पेयर, हम क्या देंगे उसको की एंड वैल्यू, हमें उसको ऐड करना होगा। इट इज लुक लाइक ए आइटम की एंड वैल्यू पेयर, तो उसके लिए भी हम सिंपल यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ क्रिएट द हैश टेबल ऑब्जेक्ट आगे, राइट, ht इक्वल टू न्यू हैश टेबल, सेम जैसे वहां पे अरे लिस्ट में थी वैसे ही यहां पर भी ऑलमोस्ट मेथड कॉमन रहेगी, ऐड टू ऐड द ऑब्जेक्ट, राइट, की और वैल्यू दोनों देंगे अभी हम, राइट, इसमें सिर्फ वैल्यू नहीं होगी, इट इज अ पेयर ऑफ द की एंड वैल्यू, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका नाम। क्लियर टू क्लीन एवरीथिंग, कंटेंट्स टू चेक इट, राइट, पर्टिकुलर की इज इनसाइड दैट लेयर, कंटेंट्स की फॉर स्पेसिफिक की, लाइक कंटेंट्स बाय डिफॉल्ट टू की चेक करता है, कंटेंट्स वैल्यू, राइट, हमें वैल्यू पता है की पता नहीं है, तो हम ये यूज करेंगे। काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, keys, we retry the collection of keys, remove particular key, अगर हमें पता है तो object को remove करने के लिए, और values to retry the collection of values, इसमें हम add करके देखते हैं, suppose my roll number is 1 and my name is A, right, st dot add, अभी हम sequence में add कर रहे हैं, लेकिन जैसे एरे लिस्ट में ये सारी वैल्यू सीक्वेंस में ऐड हो रही थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इट इज अ हैश टेबल, मींस यूज अ हैश की, ये स्टोर करने के लिए क्या यूज करता है, हैश की यूज करता है। तो अभी 1 2 3 4 जो है उसका हैश टेबल में वो हैश फंक्शन जो होगा उसमें पास करेगा, हैश फंक्शन जो की यूनिक जनरेट करेगा उसके हिसाब से वो ऑर्डर मेंटेन करता है। तो सिक्योरिटी पर्पज ये हमारे लिए बेटर रहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे ही होगा, राइट, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। उसको हम प्रिंट करने का ट्राई करते हैं, फॉर ईच की के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं हम, फॉर ऑब्जेक्ट आई डोंट नो विच ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट ओ इन, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने सारी ऐड की, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इंटीजर, तो उसके हिसाब से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ST में से लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसकी वैल्यू प्रिंट करो, कंसोल डॉट रीड की लास्ट में रखना, यहाँ पे नहीं रखना, इतना पहले हम डिबग करके देखते हैं कैसे काम हो रहा है। हैश टेबल, राइट, विद द नल अभी होगा, वी क्रिएट इट, क्रिएट हो गया, काउंट विद द जीरो वैल्यूज 1, राइट, उसमें वो ऐड कर रहा है 1 by 1, अभी ये हो गया, बी हो गया, लेकिन अभी देखा 2 ऊपर आ गया, ए 1 नीचे, मतलब ऑर्डर इज नॉट मेंटेन, हैश टेबल में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। उसके लिए अगर हमें जरूरी ऑर्डर मेंटेन करना है और हमें की वैल्यू पेयर भी करनी है, देन वी यूज द शॉर्टेड लिस्ट, थर्ड वैल्यू देखते कहां पे रखा, उसने 3 रखा,
राइट, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो रिवर्स में रखता है, राइट, इट्स रैंडमली स्टोर, ठीक है। अभी डिस्प्ले कर रहे हैं, जाएगा वन बाय वन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगा, राइट, यहाँ पर डिस्प्ले विंडो, डिक्शनरी एंट्री मतलब इट इज अ की एंड वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हम प्रिंट करते हैं। अभी यहाँ पे जो ओ आ रहा है ऑब्जेक्ट, राइट, तो इट इज अ डिक्शनरी एंट्री, तो डिक्शनरी एंट्री में की एंड वैल्यू दोनों है, अब वो हमें अलग अलग प्रिंट करने पड़ेंगे, वो हम करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ओ डॉट की स्टॉप करते डिबगिंग, ओ डॉट की, अभी वो हमें की नहीं दे रहा है, राइट, क्योंकि हम जो यहाँ पे कलेक्शन ले रहे थे, राइट, ऑब्जेक्ट, वो कौन सी एंट्री थी वो हमें पता नहीं थी, तो इट इज अ डिक्शनरी एंट्री थी, टाइप इज अ डिक्शनरी एंट्री, तो वो हमें करने देगा, राइट, गेट द की, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, ओ डॉट, ठीक, चेक करते हैं रन करके, तो वैल्यू होगी, अभी 4321 इस ऑर्डर में वो एंटर करा इसलिए ऑर्डर मिला, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब वैल्यू ऐसे ही रहे, हम रैंडमली ऑर्डर चेंज करते हैं 101, राइट, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे वही हो, राइट, देखते हैं नहीं थे, और चेक करते हैं, तो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है, अभी फर्स्ट वाले सेकंड थी, सेकंड वाले ऊपर आ गई, तो इट इज डिपेंड ऑन योर हैश वैल्यू, हम जैसे हैश यहाँ पे जो नंबर ऐड करेंगे उसके हिसाब से जो हैश नंबर जनरेट होगा वैसे वो स्टोर करेगा, ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड हो गया, किसी को एक नंबर पता चल गया तो वो सीरियली इटरेट करेगा, उसको पता चले ये जरूरी नहीं, उसके अंदर भी सेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे रिमूव करना हो तो मैं कर सकता हूँ, रिमूव यूजिंग द की, इंडेक्स यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते, आई कैन जस्ट पास द 3, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक, ऐसे ये भी यूज कर सकते, सपोज मुझे अभी कीज चाहिए, राइट, आई नीड टू एक्सेस द कीज, तो उसके लिए भी मतलब अवेलेबल मेथड्स है कि जो भी उसका कलेक्शन है की, कि मुझे पता है यहाँ पे मैंने अलग अलग लिया है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, अगर एक कैटेगरी है तो वो पर्टिकुलर लेंगे हम, तो st.keys कर सकते हैं हम, सो ओनली एक्सेसिंग द कीज, कंसोल डॉट राइट लाइन, अभी ओ इज द माई की, आ गए तो की के हिसाब से बाद में मैं वैल्यू भी एक्सेस कर सकता हूँ, दिस इज अ डिफरेंट मेथड, 4101 ASD3 इज अ व्हाट माय कीज, तो कीज आ गई तो कीज के हिसाब से बाद में मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है तो वैल्यू भी एक्सेस कर सकता हूँ, और कीज को मुझे चेक करना है कि नहीं, इफ इट इज ASD देन गो फॉर नेक्स्ट, किसी को मैं सर्चिंग कर रहा हूँ तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, तो कैसे एक्सेस करना है, दैट इज व्हाट डिफरेंट, HT.item भी उसमें मेथड है, गेट वैल्यूज डायरेक्टली दे देते हैं, ये यहाँ पे काम करेगा, ये तो मेथड है ही, राइट, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, जैसे 0 1 2 3 सीरियल इंडेक्स होता है वैसे यहाँ पे काम नहीं करेगा, इतना हमें याद रखना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द array list and hash table, ठीक है, hash table is stored as per the key, right, key and value pair, लेकिन वो order maintain नहीं करता, array list में हमारा order maintain होता है, लेकिन अगर हमारे पास suppose आपका roll number है, इसके हिसाब से पूरा student का object है, right, and we need to store them, right, we need to sort them, then how can we, तो उसके लिए अभी हम जो third use करते हैं, that is the example of sorted list, उसको हम क्या कहते हैं, sorted list, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इन सब का वर्किंग और सिमिलरली है, sorted list,
सबके अंदर हमें एक चीज ही देखने को मिलेगी, ऊपर इंपोर्ट कर देते कलेक्शन, शॉर्टेड लिस्ट एस एल इक्वल टू न्यू शॉर्टेड लिस्ट। पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप का करना तो भी हम कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें यूज करना हो तो। अभी शॉर्टेड लिस्ट जनरेट हो गया, नाउ वी नीड टू ऐड, राइट, उसके अंदर ऐड कर रहे, तो इट इज सिमिलर जैसा हम आगे किया था वैसे ही। मैं की अलग अलग ले रहा हूं लेकिन एड ए बी सी वो मैं सीरियली ऐड करने का ट्राई कर रहा हूं। ऐसे कुछ भी है, जो भी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, मैं सिर्फ ए बी सी ऐड कर रहा हूँ। इसकी जगह अगर सपोज कोई स्टूडेंट क्लास है, उस क्लास को मुझे ऐड करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ, इसमें भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसको भी प्रिंट करना हो तो क्या कर सकते हैं, राइट, मेथड्स ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहेगी, फंक्शनैलिटी सिर्फ थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंस है जिसके हिसाब से उसका हमें जैसे जरूरत हो वैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये की वैल्यू पेयर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्शनरी फंक्शन यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और मुझे कीज कलेक्शन चाहिए तो कीज कलेक्शन, डायरेक्टली मुझे वैल्यू कलेक्शन चाहिए तो मैं डायरेक्टली वैल्यू कलेक्शन भी यूज कर सकता हूँ, कोई लिमिटेशंस यहाँ पे नहीं। डॉट की करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। Failed to compare the two values. Invalid operations. Yes, it is a shorted list. By default वो automatically short करता है, तो अभी हम उसकी keys को send कर दे, इसकी वजह से हमें problem हो रहा है, right? Yeah. वो keys हमने different रखी थी और ये shorted list है, तो by default वो क्या करेगा, short करेगा, तो short करेगा तो definitely उसको मतलब comparison वो कैसे करेगा, तो उसके लिए उसको की डेटा टाइप सेम चाहिए, तो वो इजीली शॉर्टिंग कर सकता है। हो गया 1 4, हमने ऑर्डर कुछ अलग ही इंसर्ट किया था 4 1 7 6, लेकिन जैसे जैसे वो एंटर करता गया वैसे वैसे शॉर्ट करता गया, तो ये क्या हो गया हमारा शॉर्टेड लिस्ट हो गया। जैसे एरे लिस्ट था ये एरे लिस्ट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सपोज मुझे अभी चाहिए कि अभी मैंने ऐड किया तो वो कहाँ पे होगा वो मुझे पता नहीं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसका, मुझे पहले इंडेक्स ढूंढना तो मैं ढूंढ सकता हूँ इंटीजर उसका इंडेक्स क्या है, तो शॉर्टेड लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, एक मुझे की पता है तो की और वैल्यू ढूंढना है तो वैल्यू, सपोज मैं डायरेक्टली की के हिसाब से 6 की है मेरे पास तो उसका मैं ढूंढ सकता हूँ उसका इंडेक्स क्या है, और वो मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, राइट लाइन इंडेक्स। और इधर ऐसा नहीं करना है और मुझे ढूंढना है कि एसएल डॉट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, तो भी हम कर सकते हैं कि डी का इंडेक्स क्या है वो बताइए। अभी यहाँ पे 6 और डी का इंडेक्स तो सेम ही रहेगा वो हमें पता है,
इसका इंडेक्स में प्रिंट करें, और ये इंडेक्स मिल गया तो इंडेक्स पर से वैल्यू भी चाहिए हमें, राइट। तो वो तो हमें पता ही है, हम कैसे कर सकते हैं, एसएल उसकी की हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट। जो भी हमारे पास अवेलेबल थी, सपोज सिक्स की थी, तो सिक्स की तो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। अभी हमें इंडेक्स के हिसाब से रिट्राई करना हो तो उसके लिए मेथड्स कंसोल डॉट राइट लाइन एसटी डॉट एसएल डॉट राइट वैल्यू हमें ले लेना है, वैल्यू लिस्ट हम ये पूरा रिटर्न करेगा, इंडेक्स वैल्यू भी नहीं, आइटम कलेक्शन वैल्यूज ए रही वैल्यूज राइट, और उसमें मैं इंडेक्स पास कर देगा, ये पूरा कलेक्शन हमें देगा। अभी इस पूरा कलेक्शन की हमें जरूरत नहीं, और कोई फंक्शन जो हमें ज्यादा यूज कर रहे हैं एड, वो सब कैपेसिटी वो सब वही है, इट कंटेन्स वो चेक कर रहा है, रिटर्न ट्रू देगा थ्राइस नहीं देगा, इंडेक्स ढूंढ रहा है वो हमने चेक कर लिया, कीज इज अ कलेक्शन जैसे फॉर लूप में हमने आगे यूज किया वैसे ही वो यूज करेगा, इट रिमूव करेगा, ये कुछ कॉमन मेथड्स है, ठीक है। इतना भी चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, एक लिस्ट यूज किया, लिस्ट के अंदर एक ही वैल्यू को ऐड कर रहे, ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू सारी ऐड हो रही है, तो भी काउंट जीरो है, ए पे वैल्यू ऐड हो गई, ए पे दूसरी वैल्यू वो शॉर्ट कर देगा तो वन एंड फोर शॉर्ट होगी, की के हिसाब से शॉर्टिंग कर रहा है, वैल्यू के हिसाब से ये नहीं कर रहा, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से कर रहा है, यहाँ पे बी सी रहना चाहिए, लेकिन की के हिसाब से यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ये शॉर्टेड एरे हमारा हो गया, इट्स बिहेव एज ए शॉर्टेड एरे। ये भी वन बाय वन उसको ऑब्जेक्ट को हम रिसीव करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, राइट। वो सिंपल वन लेगा, फोर लेगा, सिक्स लेगा, राइट, ऐसे सीक्वेंस में वो काम कर रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे ये काम कर रहा था, वन फोर सिक्स पे आया था, अभी सेवन पे भी आएगा वो, नेक्स्ट वन इज अ सेवन यहाँ पे आएगा, ये प्रीवियस वन है, सिक्स ही आ गया, राइट, और खत्म हो जाएगा, तो गो फॉर नेक्स्ट, राइट। अभी इंडेक्स क्या आया, टू आया, सिक्स कहाँ पे, जीरो वन एंड टू यहाँ पे हुए, तो इंडेक्स क्या हो गया उसका, टू हो गया, राइट। इंडेक्स बाय की पता है तो हम उसका इंडेक्स ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे हमने उसका इंडेक्स प्रिंट किया था, राइट। उसका अगर सिंपल मुझे वैल्यू पता है, डायरेक्टली की के हिसाब से हमने एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट किया कि सिक्स यहाँ पर भी उसकी वैल्यू प्रिंट करे, और अदरवाइज वी कैन सर्च द वैल्यू, तो ऐसे कुछ मेथड्स है जो शॉर्टेड लिस्ट के अंदर जैसे जरूरत पड़े वैसे हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एरे लिस्ट, शॉर्टेड लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरे लिस्ट एंड हैश टेबल, दोनों की फैसिलिटी जब हमें एक जगह पे चाहिए तो हम ये शॉर्टेड लिस्ट यूज कर सकते हैं। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली दूसरे कौन कौन से क्लास है जो कलेक्शन में हम देखने चाहिए हमें, स्टैक एंड क्यू, स्टैक भी हम बहुत बार यूज करते हैं, राइट। ये सब सिंपल है क्योंकि ये सारे आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हुए भी, लेकिन वहां पे आपको सारे ऑपरेशन हम खुद करते थे डेटा स्ट्रक्चर में, खुद फंक्शन बनाते, यहाँ पे खुद बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सारी फैसिलिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो अभी .NET में वो हम कैसे एक्सेस करना है वही हमें सीखना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमें जब जरूरत पड़े तो हम फिर से वो कोड पूरा लंबा लिखने को मिले। अभी हम स्टैक का एग्जांपल लेते हैं, स्टैक एस न्यू स्टैक, तो वो हमें पता है स्टैक इज व्हाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो एस डॉट पुश मेथड कर सकते हैं, ठीक है, तो पुश वन, पुश वन धन पुश दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में नॉर्मल करता हूं, राइट, कर सकते हैं एस डॉट पुश टू
अभी हम इसको पॉप कर, बीच में से पॉप करके देखते हैं क्या होता है। तो इट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, पहले इतना हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर इच ऑब्जेक्ट हम टाइप इसलिए ले रहे हैं कि वी एड द स्ट्रिंग एंड इंटीजर एंड मिक्स ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन एस। ये सिंपल अभी हम प्रिंट कर रहे हैं कि क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन ओ। कंसोल डॉट रीड की हम हो गया 2 1 2 3 1। तो ये क्या है, स्टैक जैसे ऊपर हो तो टॉप एलिमेंट इज द 2। अभी पॉप करेंगे तो 2 ड्रॉप होगा, 1 इज एट द बॉटम, उसके अंदर से हम पॉप करते हैं अंदर। और पॉप करते तो हमें पता है इसके अंदर मेथड भी है, पॉप एंड पिक दोनों अलग रहेगी। एक पुश हमें पता है, पिक इज दैट मींस वो एलिमेंट प्रिंट करेगा, रिमूव नहीं करेगा, जबकि पॉप क्या करेगा, रिमूव करेगा। राइट, ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, वो हमें याद रखना है, पिक एंड पॉप। तो मैं फिर से ये फॉलो प्रोटेक्ट कर देता हूँ। राइट, अभी देखते हैं दोनों बार क्या क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली डिस्प्ले एक स्टैक किया यहाँ पे डॉट लाइन स्टैक वैल्यूज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक करते हैं, स्टॉक वैल्यूज पिक। और यहाँ पे हम बाद में क्या करते हैं, स्टॉक वैल्यू पॉप करते हैं। ठीक है, तो ओ डॉट पॉप यहाँ पे हम स्टैक यूज करें, कितनी बार करेंगे, कितनी वैल्यू कर सकते हैं हम, जब तक हमारी वैल्यू खत्म ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे फॉलो जगह व्हाइल लूप यूज करता हूँ कि s डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे फॉर इच लूप बेटर रहेगा, इंडेक्स लूप वो हमारा नॉर्मल लूप, फॉर लेंथ, किसकी लेंथ, तो एस डॉट काउंट। ठीक है, इतनी बार हमें कॉल करना है, पर यहाँ पे एस मिल रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल पिक करना है, हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे। ठीक है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्रिंट कर दे, सिंपल। मतलब चार ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट हमने ऐड किए तो हमारा टारगेट है तीन बार हम पिक को कॉल करें तो 2 1 2 3 1, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में वो प्रिंट होगा, पॉप टॉप पर से ही करेगा। यहां पर भी हम सेम करेंगे, यहाँ पे वाइल भी, क्योंकि वो रिमूव भी होता जाएगा, मतलब काउंट रिड्यूस भी होगा, ये क्या होगा, काउंट रिड्यूस भी होता जाएगा यहाँ पे, ऐसे करना है तो पहले क्या होगा, ये 3 होगा, बाद में जैसे ही ऑब्जेक्ट हम यहाँ से पुश पॉप कर देंगे एस डॉट पॉप, ठीक है, तो वो रिमूव करके हमें रिटर्न कर देगा, लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम काउंट क्या हो जाएगा, 2 जाएगा। तो ये पूरा प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे फॉर लूप बेटर काम नहीं करेगा, उसके लिए हम ले लेते व्हाइल लूप कि वो हर लास्ट वैल्यू क्या, 1 बार रिमूव कर रहे, तो मतलब अभी 3 ऑब्जेक्ट है, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, तो जब तक वो 0 ना हो जाए, राइट इक्वल टू 0, तब तक हमें काम करना है। जैसे ही 0 हो जाएगा बाद में हमें पॉप करने की ट्राई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक वैल्यूज पिक वो टॉप पर, यहाँ पे 3 बार हमने किया, लेकिन हमने ऐसा कुछ रिमूव किया, ऐसा कुछ किया नहीं था, तो स्टैक पाई क्या हुआ था, तो 2 2 2 ही प्रिंट कर रहा है, मतलब पिक है वो रिमूव नहीं कर रहा है। तो अभी उसकी लेंथ 3 की 3 है,
और हर बार टॉप पर से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पॉप होनी चाहिए, वैल्यू पॉप नहीं हुई, देखते क्यों नहीं हुई। इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू नहीं लेना था हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो लेना है। फर्स्ट टाइम में अगर क्वाली नहीं हुआ ये, इनिशियली तो थ्री था। ठीक है, यहाँ पे चला गया, इनवैलिड ऑपरेशन इज अकरेड, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, तो मतलब इक्वल जो मैंने लगाया जीरो पे नहीं कॉल होना चाहिए, कि जीरो है तो पॉप क्या करेगा, काउंट लेंथ इज जीरो देन डू नॉट कॉल एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉप करा था, रिमूव भी करा था, टू रिमूव किया, वन टू थ्री किया, वन किया, दिस इज द डिफरेंस इन पिक एंड पॉप। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है कि विच एलिमेंट एट द टॉप, तो वी कॉल द पिक, अगर चेक के साथ हमें रिमूव भी कर देना था, वी कॉल द पॉप। अभी हम एक और लेते हैं क्यूज का एग्जांपल, तो ये कुछ मतलब फ्रीक्वेंटली कॉल यूज होते, न्यू क्यू, स्टैक और क्यू एक जैसे ही काम करते। क्यूज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, और ऐड करेंगे तो उसको हम एन क्यू कहते हैं, और जब रिमूव करते उसको डी क्यू कहते हैं। तो डॉट एड एड की जगह एन क्यू एंड डी क्यू की ओर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एन क्यू एंड डी क्यू, बाकी सारी मेथड हमें एज इट इज मिलेगी। तो हम यहाँ पे सपोज में ए, तो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे एन क्यू करेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, अभी हम समझने के लिए स्ट्रिंग ले रहे हैं। ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल हम बना सकते हैं, तभी इसको फॉर एग्जाम फोर सेम व्हाइल लूप हम लेते हैं, क्यू डॉट काउंट ग्रेटर देन, क्योंकि एक एक रिमूव भी होता जाएगा, राइट, तो नॉर्मल फॉर लूप हम नहीं लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन क्यू डॉट डी क्यू। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वहां से फर्स्ट इन था वो फर्स्ट ए बी सी, तो ए बी सी के हिसाब से वो रिमूव भी करता जाएगा और बाद में स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वहां पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ए बी सी, ठीक, अभी क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, हमने तीन बार क्या किया, डी क्यू किया, तीन बार एन क्यू किया था, तीन बार डी क्यू किया, तो वो एम्प्टी हो गया। बीच में से किसी एलिमेंट की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी जो जनरल मेथड्स होती है कंटेन्स इन, राइट, वो सब तो अवेलेबल है सेम एज इट इज, लेकिन स्पेशली अगर ऐसी एप्लीकेशन आ रही है कि जिस सिक्वेंस में बैठकर उस सिक्वेंस में रिमूव करना है क्यू, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसा कुछ प्रोसेस करना है तो यूज द क्यूज, लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो स्टैक्स, ये स्पेशल पर्पज के लिए बनाए। ऑलमोस्ट हम जो यूज करते हैं वो एरे लिस्ट, हैश टेबल एंड शॉर्टेड लिस्ट। नॉर्मली एरे लिस्ट एंड हैश टेबल, तो एरे लिस्ट इज अ डायनेमिक लुक लाइक एरे, वो इंडेक्स के हिसाब से स्टोर करता जाएगा, डायनेमिक एरे की जरूरत है सिर्फ, तो हम एरे लिस्ट यूज करें, की वैल्यू पे एरे और डायनेमिक है तो हैश टेबल यूज करेंगे। और अभी हैश टेबल में जो शॉर्टिंग अनशॉर्टेड, जिस ऑर्डर में हमने एंटर किया उस ऑर्डर में वो मेंटेन नहीं करा, वो ऑर्डर अगर हमें मेंटेन करना है देन वी यूज अ शॉर्टेड लिस्ट। तो इतने मतलब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमें पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर जो भी अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर देंगे, आप क्वेरी करते हैं।